हे गाइस, वेलकम टू माय किचन दैट इज धस्माना किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केक को लेयर्स में कट करने की एक बहुत ही यूनिक और इजी टेक्निक, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आई होप कि आपको मेरी ये टेक्निक पसंद आएगी। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं प्रोसीजर। तो यहाँ पर मैंने एक ये स्पॉन्जी केक लिया है और जहाँ से भी आपको केक को काटना है वहाँ पर चाकू से एक कट लगा लेंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर मैंने ये स्टिचिंग वाला धागा लिया है, इसे हम फंसा लेंगे केक में जहाँ पर हमने कट लगाया था इस तरह से। और इसे पूरे केक को कवर करते हुए धागे के दोनों छोर को पकड़ लेंगे हम एक ही हाथ से, ये देखिए इस तरह से। और एक हाथ अब हम रख देंगे केक के ऊपर और इसे धागे को धीरे धीरे खींचते हुए, ये देखिए इस तरह से खींचेंगे बहुत ही प्यार से, ये देखिए। तो केक की एक लेयर जो है वो हमारी कट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि केक हमारा कितना स्पॉन्जी है, कितना इजीली ये केक कट हुआ है, ये देखिए। तो इसी सेम प्रोसीजर को यूज़ करते हुए हम केक की दूसरी लेयर भी कट कर लेंगे, केक में एक कट लगा लेंगे और वहाँ पर अगेन फंसा लेंगे हम धागा, ये देखिए इस तरह से। और पूरे केक को कवर करते हुए धागे के दोनों छोर को एक ही हाथ से पकड़ लेंगे और दूसरा हाथ रख लेंगे केक के ऊपर और धागे को अपनी तरफ धीरे धीरे खींचते हुए इस तरह से, बहुत ही प्यार से इस तरह से हम खींचेंगे। तो ये देखिए दूसरी लेयर भी जो है वो हमारी कट हो चुकी है, ये देखिए। मैंने यहाँ पर केक की तीन लेयर कट की हैं, आप चाहे तो इससे पांच लेयर भी कट कर सकते हैं। तो है ना कितनी इजी और यूनिक टेक्निक केक की लेयर्स कट करने की। आपको मेरी ये टेक्निक कैसी लगी, अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप केक बनाएं तो केक की लेयर्स को कट करने के लिए टेक्निक ज़रूर से यूज़ करें। तो वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का और हमेशा के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने अपनों का। बाय बाय।